गुड इवनिंग, वेलकम टू घुमक्कड़ सोल, आपका अपना घुमक्कड़ सोल। सो ये घुमक्कड़ सोल एक और घुमक्कड़ी के लिए निकल चुका है। बस अभी निकल रहा हूँ, इस टाइम पे रात के 9:30 बजे हैं, 23rd September 2021, एंड वी आर गोइंग टू स्पीति वैली। सो स्पीति के रंग घुमक्कड़ सोल के साथ। जीतू उस्ताद आ चुके हैं, हेलो, और हम पासी को अभी पिकअप करेंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, पानी की बोतलें पिकअप करेंगे, एंड वी विल स्ट्रेट अवे शूट फॉर स्पीति वैली। स्पीति वैली जाने के लिए ऑब्वियसली हमें ब्रेक जर्नी करनी पड़ेगी। सो राइट नाउ वी आर गोना बी गोइंग टू नारकंडा। नारकंडा हम कल सुबह तक पहुंचेंगे, कल रात को नारकंडा ही रुकेंगे, एंड फिर नेक्स्ट डे एज इन डे आफ्टर टुमारो वी विल लीव फॉर किन्नौर। ओके, सो दिस सीरीज इज गोना बी अ ब्यूटिफुल एपिसोडिक सीरीज। डू एंजॉय, fasten your seat belts and enjoy the natural beauty all around. Pasi is going to be waiting. Bye. Nikal rahe hain hum log. Take care. See you. God bless you and enjoy this beautiful episodic series. Ye culprit hai, ye culprit hai jisne hame late kara diya already. Nahi post nahi karna abhi. Samjhe? Ye mafia ho. Bolo hi, bolo hi Ghumakkar Sol. Hi Ghumakkar Sol. Peepa ke aaye ho tum already tight hoke. Aur ek bataiye late bhi aaye hain to humne. तो पता है खाना खाने के लिए आए हैं, कहाँ पे आए हैं ये देखो। यो, सो बहुत सुना था इसके बारे में, आज फाइनली हम आ गए हैं। हालांकि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ एंड इनके पास सिर्फ नॉनवेज ही होता है। सो इन लोगों ने अपने लिए बोटी कबाब ऑर्डर किया है, मैंने अपने लिए दाल मखनी ऑर्डर कर दी है। यहाँ पे दाल मखनी आ जाएगी, उसके बाद रोटी खाएंगे, दाल मखनी खाएंगे, बोटी कबाब ये लोग खाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे फाइनली टू नारकंडा। अब मैं आपसे रास्ते में मिलूंगा। बहुत अच्छा खाना है, मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप द वाटर इन माय माउथ। जी तो एज यूजुअल कुछ मस्ती मजाक कर रहा है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तुम मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, माहौल बहुत अच्छा हो रखा है एंड स्पीति जाने की जो मेरी तमन्ना थी, मैं 2 साल से वेट कर रहा था, मैं जा ही नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली अब जाके प्लान बना पाया हूँ एंड आई हैव गॉट कपल ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ माइंड विद मी। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश हो रही है, सनरूफ पे देखो ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगी। सो गुड़गांव में अच्छी खासी बारिश हो रही है एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। डिनर किया है, वी हैड सम अमेजिंग फूड एट कबाबची, ब्यूटिफुल फूड, बहुत मज़ा आ गया। अब जीतू एंड पासी वाइन शॉप पे गए अपना ट्रिप का स्टॉक लेने के लिए। यहाँ से एकदम से हम लोग निकलेंगे एंड वील हिट द हाईवे। हाईवे जैसे हिट करेंगे 10.5 घंटे में हम लोग नारकंडा पहुंचेंगे। फिर मैं आपको वहां के नजारे दिखाऊंगा, तब तक आप ये रोड एंजॉय करो, हाईवे एंजॉय करो, अंधेरा एंजॉय करो, जो भी करना है एंजॉय करो एंड ये एपिसोडिक सीरीज भी एंजॉय करो। स्पीति के रंग मकर फूल। जीतू उस्ताद का गाड़ी रोकी था। अच्छा हाँ, क्या है? क्या तुम पैंट उतार लियो? करनाल पहुंचे, अभी 2 बज रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी हमें। सो 11 बजे हमने गुड़गांव में हाईवे टच किया था
वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एंड उसके बाद वहां से हमें यहाँ आने के लिए कुछ 3 घंटे लगे। आराम आराम से गाड़ी चलाई, एकदम चिल्ड आउट होके बहुत सारी मस्ती भी करी है, बातें भी करी है। आपने देखा ही हम कितना हंसते खेलते आए हैं। नारगंडा पहुंचने के लिए 7.5 घंटे और हैं, उसके बाद वहां भी जाके होटल में चेकिंग करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड फिर नारगंडा एक्सप्लोर करेंगे, रात को सोएंगे एंड डे आफ्टर टुमारो अर्ली मॉर्निंग वी विल लीव फॉर किन्नौर एंड चिटकोल एंड काल्पा। सो आप लोग बने रहो, मिलता हूँ जल्दी से, लेट्स ड्राइव नाउ। तो फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, 107 किलोमीटर और बचे हैं नारगंडा जाने के लिए। सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, पहले गूगल मैप दिखा रहा था 9:30 तक पहुंचेंगे बट अब 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो अब थोड़ी देर मिलेंगे, मैं थोड़ी देर अब पहाड़ों पर जाके गाड़ी रोकूंगा एंड कुछ चाय शाय पियेंगे, थकावट हो रही है बट मज़ा आ रहा है एंड चंडीगढ़ में मौसम बहुत अच्छा है यार। गुड मॉर्निंग, पहाड़ों वाली सुबह बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे शिमला पहुंचने वाले हैं, सुबह के 6:15 बज रहे हैं शिमला, हम लोग बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वहां से अबाउट 2 hours मोर फॉर नारकंडा। अभी तक वी आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग बाय द वे दैट वेदर शुड वी स्टे बैक एट नारकंडा एंड ब्रेक द जर्नी और डू वी कंटिन्यू टू किन्नौर एंड देन ब्रेक द जर्नी एंड यू नो इट विल गिव अस 1 extra day। तो देखते हैं, नारकंडा एक बार पहुंच जाए उसके बाद वहाँ पे डिसाइड करेंगे, पेट्रोल भी भराना है सो आई थिंक वहीं पे जाके हम डिसाइड करेंगे करने का क्या है। आप उन लोगों को पहाड़ों वाली सुबह आ गई, अब नज़ारे एंजॉय करो ठीक है। सो गाइस देखो गाड़ी की हालत देखो, इतना बड़ा पत्थर ये सीधा गाड़ी के ऊपर आके गिरा है और ये गाड़ी जो है नई गाड़ी है, इसका नंबर भी टेम्प्रेरी नंबर है। हालत पूरी खराब है इस गाड़ी की। नारकंडा से थोड़ा सा पहले रुके हैं, 30 किलोमीटर पहले रुके हैं टू टेक अ लीक। ठंड हो गई थी, मेरे को स्वेटर पहननी पड़ गई, मेरे को बहुत तेज़ ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है यहाँ पे, बारिश वाला मौसम है, इट्स टू क्लाउडी एंड इट्स वेरी विंडी, सो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने सोचा भैया स्वेटर पहन ली जाए, अपने आप का बचाव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत लंबी ट्रिप करनी है, ये स्पीति वैली तक जानी है ट्रिप एंड मनाली तक हम इसको ख़त्म करें, तो अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है राइट। सो अब निकल रहे हैं कुछ फोटो सेशन करके, अब निकल रहे हैं।
बस अभी थोड़ा सा आगे आए हैं जहाँ पे मैंने आपसे भी पीछे बात करी थी, कुछ हमें एक स्पॉट दिख गया जहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल रहा है, ब्रेड ऑमलेट मैगी टाइप्स, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। कल रात को 10 बजे का खाना खाया हुआ है, सो बहुत तेज भूख लगी हुई है। इस टाइम पे अच्छे से पेट पूजा करेंगे एंड उसके बाद सीधा नारकंडा में होटल में जाके वी विल जस्ट क्रैश। हाउ इज योर ट्रिप गोइंग ऑन योर स्लीपी मैन? भूख से बेहाल। तुम दारू से बेहाल? नो, आई एम एंजॉयिंग दिस। तुमने मेरा एक कबीर सिंह वाला चश्मा क्यों पहना हुआ है? अरे हमारा तो आदत है भैया, अब इसको गांधी चश्मा बोल रहा है। गांधी चश्मा फॉर मी। क्या ऑर्डर किया है? वन ऑमलेट एंड मैगी चाय। तो भाई ऐसा है, जैसे हमने सोचा था कि हम नारकंडा रुक जाएंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी हमने ये सोचा कि हम नारकंडा से आगे चलते हैं, देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं जब तक ज्यादा थकावट नहीं होती है। कोशिश यही रहेगी कि आज ही किन्नौर पहुंच जाएं। 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अभी 10:30 हो रहा है, आई थिंक 4 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ जस्ट टू अपडेट यू गाइज, वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द रोड टू किन्नौर, सो वॉच इट गाइज। रामपुर 14 किलोमीटर रह गया भाई, किन्नौर वहाँ से और 130 किलोमीटर होगा। बस बस क्या होता है भाई, मतलब 3 घंटा। पासी की फटी हुई है इस टाइम पे, पासी इज लाइक कि भैया मुझे बिस्तर दिला दो, मुझे सोना है। बड़े देर बाद तो आए हो सीट। तो तुम ये गाली बिना गाली दिए भी तो बोल सकते हो ना। हमें क्या पता कि दुनिया हमारी बातें, मैं इतना फेमस हूँ कि रिकॉर्ड करना। एक घंटा हो गया, मैं इसलिए सोच रहा था। नहीं सही है, पर चिटकुल जो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर लास्ट विलेज है। जैसे जब तुम बॉर्डर खत्म करते हो तो उसमें आखिरी तक आ जाता है ना, बचा हुआ है वो भी यार। अब हमारा कोटा तो हो गया ना, अब जा रहे हैं हम अभी सीधा कल्पा। कल्पा ही स्टे होगा अब आज। कितने घंटे में पहुंचेंगे पासी? 3 घंटे। 3 आवर्स मोर टू गो गाइस। ये पहाड़ों के नज़ारे कैसे लग रहे हैं जरा कमेंट करके बताओ, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको जीतू सिंह के साथ एक फ्री ट्रिप मिलेगी। जिसमें जीतू सिंह कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ मुँह में खीरा गाजर डाल के बैठे रहेंगे, है ना। तो भाई फाइनली हम किन्नौर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, एंड अभी किन्नौर का वो फेमस जो रॉक है, इट्स लाइक अ गेटवे ऑफ रॉक, वो आएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट लुक एट दिस, किन्नौर वेलकमिंग अस।
बोला था ना मैंने कि मैं आपको एक गेटवे दिखाऊंगा विच इज द रोड जस्ट गोज इन बिटवीन द रॉक. ये देखो जैसे आपको पता है हम 11 बजे चले थे रात को. हाँ हाईवे टू हाईवे. वी वर सपोज टू स्टे एट नारकंडा टू नाइट बट दिस गाय दिस बगर हु गुमक्कड़ सो गुमक्कड़ सो नॉन स्टॉप वी हैव एंटर्ड किन्नौर. क्वेश्चन ये है अगर मोरबन की बाबा होते हैं हमारे साथ तो किन्नौर अभी पहुंच पाते. हाँ यार जवाब दे. अमन दिस इज फॉर यू वी आर मिसिंग यू मैन. To get some help, hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. रेकॉम पे पहुंच गए हम लोग एंड बिल्कुल भीड़ नहीं है. इट इज सो लेस क्राउडेड एंड वी आर सो हैप्पी. दैट्स व्हाट वी वांटेड. यहाँ से आधा घंटा और है कल्पा. तो अब मैं आपको कल्पा में सीधा होटल पे मिलूंगा. ये नज़ारे देखे आपने, ब्रेथ टेकिंग, राइट आउट ऑफ द पोस्ट कार्ड. ब्यूटिफुल Mesmerizing. मजा आ गया यार. ड्राइव हैज बीन सो मच. मैंने लगातार ड्राइव किया है गुड़गांव टू कल्पा. कितना था पाती? 630 किलोमीटर. 630 किलोमीटर. कल रात ग्यारह बजे से ड्राइव की शुरू करी है एंड अभी इस टाइम पे 3:30 हो रहा है. आधे घंटे में हम कल्पा पहुंचेंगे. सो 4 बजे तक आप लगा लो तो 17 घंटे. 17 hours of driving. Broken by myself. So good drive. Very good drive. So guys, finally we have reached Kalpa. हम लोगों ने होटल कल्पा में चेक इन किया है एंड मेरे पीछे आप जो व्यू देख रहे हो ये व्यू इज जस्ट ऑसम टू डाई फॉर. वी हैव अ टेरेस विद आवर रूम. ठीक है, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ. और टेरेस से भी देखो आप व्यू. लुक एट दिस. व्हाट एल्स आई कैन शो यू. लुक एट द एप्पल ऑर्चर्ड. ये देखो, दिख रहा है आपको? दैट्स एप्पल्स. ये देखो, ये एप्पल्स लगे हुए हैं. अभी हमने सारे एप्पल्स तोड़े हैं, खाए हैं एंड इट्स ऑसम. मजा आ गया. ब्यूटीफुल. तो 17.5 घंटे ड्राइव करने के बाद, 630 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अब हम लोगों ने फाइनली चेक इन किया है. अब हम रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे.
अब मैं आपसे, आपने व्यू देख लिया, आपने कमरा देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब मैं आपसे रूबरू होऊंगा शाम को आराम से थोड़ी देर सोने के बाद, ठीक है? फाइनली हमने पेट पूजा कर ली है, हाँ, मजा आ गया। अब कुछ और पूजा शुरू करनी है। जीतू अपना बेस बना रहा है एंड मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड उसके बाद फिर सारी पूजाएं शुरू होंगी। सूर्यास्त के बाद सब लोग मस्त हो जाएंगे। चलो भाई अब डिनर करेंगे एंड डिनर करके अब सो जाएंगे। कल सुबह चटकुल निकलना है एंड मैं आपसे सुबह मिलूंगा। ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वील मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताना। फॉलो घुमाकर सोल, सब्सक्राइब टू घुमाकर सोल, डू गिव योर फीडबैक एंड दिस प्लेस कल्पा इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इज जस्ट हेवन, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।